आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं वो है एक मूवी का ट्रेलर जिसका टाइटल है अटैक पार्ट वन, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्य राज आनंद ने। और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें है जयंती लालगाड़ा, जॉन अब्राहम और अजय कपूर। ओके, प्रोडक्शन में भी है जॉन अब्राहम, स्टोरी में भी है, स्टोरी बाय जॉन अब्राहम। ओके ओके ओके। और अगर हम कास्ट की बात करें तो कास्ट में जैकलिन फर्नांडिस, रकुल प्रीत सिंह है, जॉन अब्राहम है, प्रकाश राज है, रत्ना पाठक शाह है। तो चलिए देख लेते हैं ये ट्रेलर। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ट्रेलर। हमारी जिंदगी के दो दिन बहुत खास होते हैं, पहला जिस दिन हमने जन्म लिया और दूसरा जिस दिन हम जान जाए कि हमने जन्म क्यों लिया। Are you ready for this? 3, 2, 1. Yeah. Yeah. Really? Yeah. 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 अर्जुन, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम फिर से ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगे। एग्जैक्टली। अर्जुन जोड़ गया है। एक्टिवेटिंग सुपर कॉम्बैट कॉम्बो 2। व्हाट? लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स शो टाइम। मिशन रोकना पड़ेगा, अदरवाइज वो मर सकता है। तुम लोगों को ये बचाएगा ना। बॉडी रेजिस्टेंस गोइंग डाउन। हिंदुस्तान का हीरो। बात करें इस ट्रेलर की तो वैसे तो ये जो है एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, लेकिन मुझे इसके साथ साथ एक साइंस फिक्शन फिल्म भी ये लग रही है। कोई चिप वगैरह जो है वो लगाई जाती है जॉन अब्राहम, हाँ, सर के फिक्स की जाती है स्पाइनल कॉर्ड में। लगता है उनके जो है ना कुछ फिक्स किया गया है, जिसकी वजह से जो है ना वो एक रोबोट की तरह आई गेस जो है वो कर रहे हैं। क्योंकि बीच में हमने थोड़े बहुत शॉर्ट्स इस तरह के देखे हैं जहाँ पर जो है ना जो हमें टर्मिनेटर टाइप या क्या आप कह लें वो रोबोट मूवी जो आई थी उस टाइप की थोड़ी सी फीलिंग दे रही है। बट ये कि एक मुझे लगता है कि टोटली डिफरेंट, और जो बैकग्राउंड स्कोर था वो कमाल का था, और जिस तरीके से एक्शन और बैकग्राउंड स्कोर मैच कर रहा था ना वो मुझे बहुत देखने का मजा आया। और पता क्या, somehow आपको ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी जैसे आप कोई हॉलीवुड की मूवी देख रहे हो यार, वाकई ऐसी फीलिंग आ रही थी। दूसरा जो है ना जिस तरह इनके एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था और जैसे फायर निकलते थे वो चीज बड़ी मजे की थी, एक बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन की थी। लेकिन मूवी की मैं बात करूं जॉन अब्राहम सर कि मूवीज की, पिछले कुछ अरसे से इनकी मूवीज जो है ना वो खासतौर पर पेट्रियोटिक टाइप्स आ रही हैं और बहुत मजे की इनकी एक्टिंग जो है वो, हाँ एक्शन एक्शन से भरपूर मूवीज आपको नजर आती हैं जॉन अब्राहम सर की। लेकिन मतलब ये है कि मूवी को देखकर लग रहा है कि आप जितने भी 2-2.5 घंटे इसके अंदर गुजारेंगे ना आपको मजा आएगा, क्योंकि एक्शन इतना कमाल का, म्यूजिक बहुत मजे का है, और नो डाउट जॉन अब्राहम सर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मुझे वैसे जैकलिन भी बहुत अच्छी लग रही थी। वैसे तो जॉन अब्राहम सर की बात करें वैसे बहुत खूबसूरत हैं, खासतौर पर उनके मैं फिजिक की बात करूं, उन्होंने बहुत अच्छे एक तो अपनी बॉडी को यू नो मेंटेन किया हुआ है। और जैकलिन फर्नांडिस की बात करें तो उनकी एक्टिंग जो है, क्योंकि काफी देर से भी उन्हें भी देखते आ रहे हैं तो उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी, लेकिन इस मूवी में उनका क्या रोल है ये मुझे अभी तक क्लियर नहीं पता चला। मुझे वो उनकी गर्लफ्रेंड होंगी, बट आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाली वाइब आ रही कि जैकलिन मे भी जो है ना वो नहीं रहे इस मूवी में ना, मुझे लग रहा है कि ब्लास्ट वगैरह में मे भी मे भी हो सकता है। लेकिन मुझे जो है बीच में ये भी फील हो रहा है कि जैकलिन जो है ना वो शायद मे भी नेगेटिव रोल में भी हो सकती हैं, कुछ आप कह नहीं सकते। और रकुलप्रीत सिंह की बात करके दो लड़कियां हमें नजर आ रही हैं ना, तो एक ना एक तो कुछ ऐसी होगी ना जो नेगेटिव वाली साइड में भी जाए। नहीं, रकुल तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वो पुलिस
पुलिस नहीं, मतलब लाइक जिस तरीके से जो प्रोग्राम बनाया गया है, जिस तरीके हाँ, से वो सारा साइंटिस्ट मैनेज किया जाता है, हाँ मुझे उस तरह से लग रहा है कि वो सब कंट्रोल करती हैं किसी। देखें अब ये तो जब आएगी फिर ही पता चलेगा। प्रकाश राज जी की बात करें तो उनके भी जो दो चार ग्लिम्स हमें देखने को मिले हैं वो भी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं। बाकी इसके म्यूजिक की हम अब बात करेंगे। म्यूजिक जो है इसका दिया हुआ है शशावत सचदेव ही है ना, शशावत, हाँ आई थिंक यही होगा। लेकिन ये कि बहुत ही कमाल का म्यूजिक दिया। और मुझे ना जो लास्ट मतलब जब ट्रेलर खत्म होता है तो जो बीच में म्यूजिक एक आता है ना तो मुझे उरी की तरह का साउंड कर रहा था। अच्छा। और वैसे बाद में हम लोगों ने देखा है कि उरी का म्यूजिक भी इन्होंने दिया। बिल्कुल उरी का म्यूजिक इन्होंने दिया। फिर उसके बाद नहीं उरी का अब सही है, उरी का म्यूजिक भी इन्होंने दिया हुआ है। फिर फिल्लौरी मूवी की बात करें जो कि हम दोनों ने देखी हुई है, उसका म्यूजिक बहुत अच्छा है, उसमें भी इन्होंने जो है म्यूजिक दिया। फिर वीरे की वेडिंग हमने मूवी देखी, उसका भी म्यूजिक इन्होंने दिया हुआ है। वेल मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया ट्रेलर और मुझे लगता है कि मैं मूवी भी देखूंगी। और क्योंकि ये सेम स्टोरी मुझे इस तरह की लग रही है कि जैसे कोई टेरर अटैक इसमें मे भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट वाला जो सीन दिखाया गया है उसमें तो देखकर मुझे यही लग रहा है कि कोई ऐसा हादसा मतलब होता अभी है। वो जो एक सीन जहाँ पे हादसा दिखाया मुझे कोई पार्लियामेंट टाइप जगह लग रही है। वो अब ये नहीं मुझे एग्जैक्ट पता कि वो जगह कौन सी है, लेकिन जब ये मूवी आएगी तो फिर जो है हमें पता चलेगा और हम फिर क्या नाम लेते हैं अपना एनालिसिस एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। एक बात बोलना चाहूंगी कि जो जैसे जिस तरीके से ट्रेलर शुरू होता है ना, पहले थोड़ा सा एक जैसे हमने टीजर देखा था उसके बारे में दिखाया, फिर उसके बाद जो डायलॉग्स है ना मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब दो दिन दो मौके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी एक दिन जब हम पैदा होते हैं और दूसरा है कि हम क्यों पैदा, जो रीजन जब हम लोगों को पता चलती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो डायलॉग्स होते हैं ना वो आपको कहीं ना कहीं पर स्ट्राइक करने चाहिए और आप सुने उनको और आप एंजॉय करें। एनीवे गाइस ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर गुड बाय।